Hello friends, welcome to my channel DDC Recipe. ये चटनी बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डिज़ीज़ को फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, और ये ब्लड शुगर को भी लो करती है, और बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स भी होते हैं। इस चटनी में कोकोनट और तिल का ऑयल होता है, तो इस चटनी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं तो महीनों तक तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गैस ऑन करके पैन रख लेते हैं। पैन में हमने जो ये घी लिया है वो डाल देंगे। टेप को लो कर देंगे और उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है तो इसके साथ ही हम लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। इसमें हीट को मीडियम कर दें ताकि ये जल्दी भुन जाए। बस आधे मिनट के लिए मीडियम हीट पे हमने इसे रखा था। अब हम इसमें जो हमने नारियल लिया है वो डाल देंगे। अब बिल्कुल लो कर दें हीट को। गैस बिल्कुल हमें लो करके इसे अच्छे से भूनना है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें से स्पेस बना लें बीच में एक मिनट के बाद, और उसमें तिल डाल देंगे। तिल को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसको रोस्ट करने में नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट करना भी नहीं है। बस इसको मिला लें और फिर इनको हीट को हमें पूरे टाइम लो रखना है और लगातार हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, नहीं तो नारियल बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आप लगातार इसे चलाते रहें। तिल को आधा मिनट रोस्ट करने के बाद से टोटल दो मिनट और रोस्ट किया है दोनों चीज़ों को लगातार चलाते हुए। तो अब ये हो चुके हैं तो गैस ऑफ कर देंगे। प्लेट में निकाल दे रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मिक्सचर ठंडा हो गया है तो इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसमें शुगर भी डाल देंगे, अमचूर पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लेते हैं। देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है। हमने तो बिल्कुल भी वाटर नहीं डाला, ये सारा कोकोनट का और सेसमे सीड का ही ऑयल है। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डिज़ीज़ को फाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, और ये ब्लड शुगर को भी लो करती है, और बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स भी होते हैं। इस चटनी में कोकोनट और तिल का ऑयल होता है, तो इस चटनी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं तो महीनों तक तो आप इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से थिक को आप टोस्ट में लगा के खा सकते हैं, पराठों में भी लगा के खा सकते हैं, या फिर आप इसमें से एक स्पून चटनी अलग से निकाल कर उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर उसको लिक्विड बनाकर आप इसको पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, डोसा, इडली, चीला किसी के साथ भी खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को बना के इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल DDC रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।